उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के गांवों में भेड़ियों के हमले बदस्तूर जारी हैं। रविवार रात 2 साल की बच्ची भेड़िये का शिकार बन गई। इस हमले में बच्ची की मौत हो गई। पिछले 2 महीने से लोग भेड़ियों के हमलों से परेशान हैं। हमलों में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और 35 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। बहराइच की डीएम ने कहा कि भेड़िये लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। गांव जिसमें घटना हुई, इस गांव में ये पहली जो है मृतक वाली घटना हुई है और 2.5 साल की बच्ची को उठाया गया है। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जब तक जो ये भेड़िए हैं जो नरभक्षी टाइप के हो चुके हैं, तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक विशेष रूप से सचेत रहें और बाकी वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। केवल एक दिक्कत आ रही है कि 100 से अधिक राजस्व ग्राम है और हर बार ये जो है अपना गांव नया बदल लेते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना। बताया गया कि रविवार को भेड़िये ने घर में घुसकर 2 साल की बच्ची को उठा लिया और पास में गन्ने के खेत में खींच ले गया। करीब 12 बजे यहाँ भेड़िया आया और यहाँ पे अचाला जी को यहाँ से खींच के ले गए। यहाँ पे दरवाजा पल्ला बंद, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोल के यहाँ पे काटा, फिर वहाँ खींच के ले गया। वहाँ से फिर वो चिल्लाए हैं तो वहाँ से दूसरे छोटकों आए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि 6 भेड़िये हमले कर रहे हैं। ये हमले 20 जुलाई से शुरू हुए हैं। वन विभाग अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है। बाकी 2 भेड़ियों की ड्रोन और दूसरी ट्रैकिंग मशीनों से तलाश की जा रही है। भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए वन विभाग, पुलिस, राजस्व और कई विभागों की टीम साथ मिलकर काम कर रही है।